Yo, what's up guys? Welcome back to any other gameplay videos. आज के इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं Warnizone.io. तो देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया. आज हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है, जो कि इसमें 2 rounds हमने खुद क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से कि अलग अलग उसमें कुछ कॉम्बिनेशन किया है. जैसा कि इसमें हमने जो बैकग्राउंड था वो हमने चेंज किया, और स्नेक का जो कलर था वो भी चेंज कर दिया. 3 colors में स्नेक को हमने चेंज किया, मॉडिफिकेशन की है स्नेक की. और जो बैकग्राउंड था जिसमें स्नेक चल रहा है उसका, उसको ग्रीन कर दिया है. पहले तो रेड था, और इसके अंदर जो पहले चीज़ें आती थी, फल वगैरह आता था, बट इस दफ़ा कुछ अलग ही चीज़ें आ रही हैं. ये कोई एनर्जी बॉल्स जैसी हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, तो जल्दी जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी फनी कमेंट्री गेमिंग्स देखने के लिए. तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है कि 5 snakes को किल करना है, और देखते हैं हम कर पाते हैं नहीं. काफ़ी स्नेक आए हैं इसमें, और काफ़ी हद तक बिग और बेस्ट स्नेक आए हैं, बट हम भी कुछ कम नहीं है. इसमें हमने जो हाईएस्ट स्कोर किया था, काफ़ी हाईएस्ट स्कोर किया है, और देखते हैं कि वीडियो को क्या होता है. इसमें हम मेरा जो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद है कि यार इसमें हमें ना बड़ा होना है, बिग होना है, इसलिए मैं आराम से चुपचाप खा रहा हूँ. और जो हमारा टारगेट है वो भी 5 kills का है, और 5 kills हम कर पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा और मेन प्रॉब्लम है. और देखते हैं भाई साहब, ओफ, इससे मैं बड़ी ही मुश्किल से बचा था. और मैंने सोचा कि यार इन दोनों को अपने कवर में लेता हूँ, बट ये तो बहुत ज़्यादा बड़े थे और मैं अभी काफ़ी स्मॉल में था. और इसमें हमने एक पावर अचीव की है, और कॉइन्स भी कलेक्ट कर लिए हैं, जिससे हमने ये कलर का जो हम इसके मॉडिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं, जिसमें हमने जब तक हमारा स्नेक बड़ा होता है, जिसमें हमने ये कलर जो हमने चेंज किया है वो भी हमें ये कॉइन्स की वजह से चेंज हो पाया. ओ भाई बड़ी मुश्किल से मैं बचाऊँ 2 snakes से. और जो हमारा बैकग्राउंड है इसमें ये नॉर्मली चेंज हो जाता है, बट जो हमारे जो फल खाने वाले हैं और ये जो स्नेक का फेस चेंज किया है, पहले जो मेरा स्नेक था लास्ट वीडियो में वो काफ़ी नॉर्मल स्नेक था जो आम Warnizone.io गेम में देते हैं, बट इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स खर्च किए हैं, बट तब जाके हमें इतना अच्छा और काफ़ी बेस्ट स्नेक बनाने को मिला है, जिसमें हमें 3 colors. ओके, तो सर हमें अच्छी खासी दावत मिल चुकी है, जिसमें हमने काफ़ी जल्दी बड़े हो गए हैं. जिसमें देखते हैं कि क्या होता है. ऐसे ही फनी कमेंट्री वीडियोस देखने के लिए जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और अदर गेमिंग्स आती हैं यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. तो यहाँ पे हमने भाई काफ़ी ज़्यादा दावतें उड़ा ली थी, कहाँ जहाँ तक हमारा वो स्नेक था काफ़ी जल्दी बड़ा हो चुका था. उसके बाद सर मैंने कोशिश की कि मैं कुछ स्नेक को मार पाऊँ, जैसा कि ये ब्लू वाला, इसको मैंने अपने सर्कल में लेने की कोशिश की, बट मेरे ध्यान में ये आ गया कि यार वो एनर्जी हम पकड़ लेते हैं, उसी टाइम ये ब्लू स्नेक निकल गया. जब मैंने इसके ऊपर वापस रिवर्स से नज़र डाली तो पता चला कि भाई साहब ये तो काफ़ी बड़ा स्नेक है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके, तो सर यहाँ पर हमें एक और अच्छी खासी दाव चढ़ाने का मौका मिल गया था, जिसको 3 snakes ने अच्छी तरह कवर कर लिया, जिससे मैं हमें बस थोड़ा सा मिला, ताकि हमारा कोई बात नहीं, चलो हमें मिला तो सही. उसके बाद हमारा जो स्नेक है काफ़ी हद तक एक बहुत जल्दी बड़ा हो गया है, और ये जो वाइट और ब्लैक स्नेक है ये कोशिश कर रहा है कि भाई मैं इसे मार दूं, बट इसे नहीं पता कि हम भी कोई आम चीज़ नहीं है. हमने काफ़ी दफ़ा ये गेम खेली है, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है. तो कॉइन में भाई पकड़ने वाला था, तभी एक रेड स्नेक आया और चुपचाप कॉइन पकड़ा और निकल गया. तो बड़ी ही मुश्किल से यार मुझे 1-2 coins मिले हैं. मैंने काफ़ी ज़्यादा 600 coin मैंने इकट्ठा किया, उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन की. मॉडिफिकेशन का तो भाई मुझे पता ही नहीं था कि स्नेक को मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं. फिर मैंने इसकी सेटिंग की, पंगा लिया, और पंगा ले तो मैंने भाई अच्छे तरह इसकी मॉडिफिकेशन कर ली. तो ओके सर, ओ भाई मैंने 1 snake हमने मार दिया है, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट है वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है. बाकी पीछे बचते हैं, ओ शिट यार, बाकी पीछे बचते थे यार 3 snakes मारने के लिए, क्योंकि एक हमें पहले भी अचानक में मार दिया था, तो 3 snakes बचते थे. बट कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ते हैं, हम अब अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं. हम अपनी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चेंज करते हैं, जिसमें हमने ये बैकग्राउंड कलर था वो थोड़ा सा चेंज कर लिया. उसके बाद हम जो एनर्जी बॉल्स खा रहे थे उसकी जगह अब हम फल वगैरह, चीज़ एंड तरबूज वगैरह, ये सारी चीज़ें खाएंगे. और इसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की कि इमोजीज हमने अपने स्नेक के ऊपर इमोजी लगा दिए, जिसकी वजह से कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव गेम बन जाती है. तो वैसा स्नेक मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें एक और कलर ऐड कर दिया जाए, बट फिर मैंने सोचा यार रहने दो, ऐसे ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है.
और उसके बाद जब मैंने फिर वापस उसको टर्न किया और बैटल स्टार्ट कर लिया, पिछली दफा मैंने लगाया था इन्फिनिटी जिसमें हमें 5 किल मारने को मिले थे, इस टाइम मैंने लगाया है 2 मिनट्स 2 टाइम्स। इसका पता नहीं क्या मकसद है बट इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा बड़े और बेस स्नैक मिले थे देखने के लिए। ये देखें, जब भी मैं आया हूँ तभी मुझे इतना बड़ा स्नैक मिला। अक्सर ज़्यादातर होता है कि हम जब न्यू में गेम में एंट्री करते हैं तो हमें छोटे छोटे हमारे जैसे स्नैक मिलते हैं या थोड़े से बड़े मिलते हैं, बट इस दफ़ा मुझे काफ़ी बड़े स्नैक मिल गए थे। और भाई यहाँ पर अच्छी खासी दावत उसने बंदा मारा और मुझे लगा कि ये ओपन में है, जिसकी वजह से मैंने उधर जाने की कोशिश की बट वो उसकी कवर में था और मुझे आगे एक और दावत मिल गई उड़ाने के लिए जिसको मैं उड़ाने गया था। और सर आगे से एक बिल्कुल सेम टू सेम स्नेक आ चुका था जिसकी वजह से मैंने उसके मुंह पे टक्कर मारनी थी और मुझे उम्मीद थी कि मैंने ही मरना था क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ। ओके तो भाई साहब यहाँ पे एक स्नेक तो मर चुका है बट मैंने कोशिश की कि यार इसको मैं खाऊं बट ये काफ़ी दूर था जिसकी वजह से मैंने इसका जो जाने दो यार बख्श दिया हमने। और यहाँ पे जब हमने एक स्नेक को छोड़ा था हमें दूसरा स्नेक मरा हुआ खुद ब खुद मिल चुका था। उसके बाद सर यहाँ पे हमें काफ़ी एक दो स्नेक का घेरा जो तंग हो चुका था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक और स्नेक को मार दिया भाई साहब, क्योंकि लास्ट राउंड में भी मैंने एक ही मारा, इसमें भी एक ही मारा और यहाँ पे 2 मार दिए भाई। ओके सर यहाँ पे 2 मार दिए। जो मेरा स्नेक है इस राउंड में काफ़ी जल्दी बड़ा हो चुका है, ग्रेट हो चुका है। तो भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी फनी कमेंट्री अदर गेमिंग्स देखने के लिए या फिर कार ट्रैफिक अदर गेमिंग्स देखने के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, सुबह और शाम मेरी एक एक वीडियो आती है फनी कमेंट्री के साथ ताकि। ओके तो भाई कितना बड़ा स्नेक है, मैं तो डर के वापस टर्न ले लिया भाई साहब, मैंने कहा मैंने नहीं अबूदर जाना। बट उसके ही नज़दीक में एक छोटा स्नेक यहाँ पे ये फिर रहा है, मैंने सोचा कि इसका घेरा तंग कर दिया जाए बट ये मुझसे भी ज़्यादा तेज़ है भाई, तो मुझे जो फिक्र है कि मैं कहीं छोटा ही ना हो जाऊँ इसे पकड़ दे, तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मुझे ही इसने मार दिया, मुझे इसने मारा नहीं, मैं गलती से जाके इसके अंदर जाके यार लग गया और इसके अच्छा खासा दावत उड़ाने का मौका मिल गया। और इसमें हमारा जो हाईएस्ट स्कोर था 27,000 था बट काफ़ी अच्छा स्कोर था, नॉट बैड। तो हमने इस दफ़ा एक और राउंड लगाया, मैंने सोचा क्यों ना एक और राउंड लगाया जाए और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे अब मैंने स्नेक को बड़ा नहीं करना, यहाँ पे मैंने सोचा है कि यहाँ पे अब स्नेक को बड़ा करने से बेहतर है कि जल्दी जल्दी से फास्टर स्नेक को कवर किया जाए और उनके मुंह के आगे जाके अपनी अपनी ब्रेक लगाई जाए जिसकी वजह से वो अचानक में हमारे आगे आगे लग जाए। बट इसी के चक्कर में मुझे लगता है कि मेरे साथ ही कुछ होने वाला है। ओके तो सर जैसा मैंने बोला वैसे ही हो गया भाई, वीडियो को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके अल्लाह हाफिज़।